सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज सभी का हमारे क्वेश्चन जीपीएस में बहुत स्वागत है। दोस्तों कंपार्टमेंट एग्जाम के रिजल्ट को लेकर बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट है। कई सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट आ जाने के कितने चांस है, और कई सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर रिजल्ट हमारा क्लास टेंथ वालों का और क्लास ट्वेल्थ वालों का साथ में आएगा नहीं आएगा। और बहुत से स्टूडेंट का टाइम को लेकर डाउट था कि कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट रात को तो नहीं आता। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज की वीडियो में दूंगा। बट गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक ऐप का बताना चाहूँगा जो आपकी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। डाउट नट, अगर गाइज आप किसी सवाल में अटक गए या फिर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो गाइज सिंपली इस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करो, क्रॉप करो और सेंड कर दो डाउट नट ऐप के अंदर। विद इन 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो फॉर्मेट के अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा। गाइज वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर कोई भी दूसरे स्टेट बोर्ड का हो, 6 से लेकर 12 तक आईआईटी जी मेंस एडवांस नीट सभी के सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलेंगे। और गाइज आपको इस ऐप के अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बायोलॉजी के भी सॉल्यूशन मिलेंगे। और गाइज अभी डाउट नेट के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, क्लास 9 से लेकर 12 के स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए क्लासेस है। गाइज 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट डाउट नेट ऐप को यूज कर रहे हैं, इसलिए अभी डाउट नेट ऐप को डाउनलोड करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो गाइज वैसे मैं आप सभी को बताऊँ तो मैक्सिमम चांस है कि कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट आज आ सकता है। अगर गाइज कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है तो हो सकता है कि क्लास टेंथ वालों को और क्लास ट्वेल्थ वालों को अलग आए। लेकिन अगर कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट आज नहीं आता तो मैक्सिमम चांस है कि क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ कंपार्टमेंट का रिजल्ट साथ में ही आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को टाइम को लेकर डाउट था, तो गाइज देखो कंपार्टमेंट एग्जाम का जो रिजल्ट होता है उसकी कोई फिक्स टाइम नहीं होती और ना ही उसका कोई पता होता है कि कब आएगा। अचानक से ही रिजल्ट सीबीएसई हर साल जारी करते हैं। वैसे गाइज हमेशा जो कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट आता है वो लगभग शाम के वक्त आता है, 4 बजे के बाद में। तो मैक्सिमम चांस है कि 4 बजे के बाद में कभी कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट आ सकता है। और गाइज चांस तो आज लग रहे हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट आज आ सकता है, अगर आज नहीं आएगा तो कल तो कंफर्म आ जाएगा। वैसे गाइज मैं ज़्यादा वेबसाइट को चेक नहीं करता, लेकिन कई सारी जो न्यूज़ वेबसाइट है जेन्यून, इंडिया टुडे जैसी, उन पर मैंने चेक किया तो उनका कहना है कि मैक्सिमम चांस है कि आज या कल के अंदर कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। आप में से कई सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये बात पता होगी, लेकिन गाइज आप में से कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको ये बातें नहीं पता, तो उन्हीं के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और गाइज आपको रिजल्ट कहीं भी चेक नहीं करना, जैसे आपने बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट निकाला था सीबीएसई वेबसाइट से, वैसे ही आपको आपका जो कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट है वो भी वैसे ही निकालना है। cbse.nic.in जो इनकी वेबसाइट है, उस पर जाके आप कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट चेक कर सकते हो। वैसे गाइज बहुत रेयर केस है कि वेबसाइट क्रैश होगी, लेकिन अगर वेबसाइट क्रैश हो जाती है तो आप डिजी लॉकर के थ्रू भी रिजल्ट निकाल सकते हो। तो गाइज वीडियो उतना लेंथी नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल सिंपल आप सभी का आंसर है, कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट आ जाने के मैक्सिमम चांस है, अगर आज नहीं आएगा तो कल कंफर्म आ जाएगा। टाइमिंग अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे ही कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट आता है जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइज इस वीडियो में इतनी, अगर आपको कंपार्टमेंट एग्जाम के रिजल्ट को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप फ्रीली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट गाइज इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करें जिससे उनको भी कंपार्टमेंट एग्जाम के रिजल्ट को लेकर इंपॉर्टेंट बातें पता लग सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहो।